दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाले ऑड इवन सिस्टम के लिए आज ट्रायल रन, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए किया जाएगा नए सिस्टम का ड्राई रन। दिल्ली में 200 जगहों पर ड्राई रन के जरिए सरकार, पुलिस और दूसरी सिविल एजेंसियों के बीच तालमेल को परखा जाएगा, खामियों को दुरुस्त करने की भी होगी तैयारी। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस, महिलाओं और दो पहिया गाड़ियों को छूट क्यों। दिल्ली में नए साल से शुरू होने वाले ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर तैयारियां तेज, सीएम और डिप्टी सीएम ने बच्चों को दिलाई शपथ। 1 जनवरी से शुरू होने वाले ट्रैफिक के ऑड इवन फॉर्मूले के तहत 15 दिन के लिए दिल्ली में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन ऑड नंबर की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का दावा, ऑड इवन लागू करना हमारे लिए चुटकी का खेल। जुर्माने को लेकर बीएस बस्सी का मजाकिया अंदाज, 2000 की चिंता ना करें, माया तो आनी जानी है। ऑड इवन के लिए केजरीवाल सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं तैयारी, ज्यादातर मंत्रियों के पास ऑड नंबर। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, ट्रायल रन के लिए पूरी तरह तैयार, पूरे 15 दिन गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार। सिर्फ ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय के पास है इवन नंबर की नैनो, पड़ोस में रहते हैं संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन और खुद मुख्यमंत्री। केजरीवाल सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को सस्पेंड करने पर बढ़ी तनातनी, विरोध में आज एक दिन की छुट्टी पर रहेंगे दैनिक्स के सभी अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक दोनों सचिवों ने कैबिनेट के नोट पर हस्ताक्षर करने से किया था इनकार, यशपाल गर्ग और सुभाष चंद के निलंबन वापसी की मांग। दैनिक अफसरों के समर्थन में आई दिल्ली की आईएएस एसोसिएशन, सरकार के फैसले के विरोध में आधे दिन की छुट्टी पर रहेंगे आईएएस अधिकारी। दिल्ली में आईएएस अफसरों के सामूहिक छुट्टी पर जाने से ऑड इवन को लेकर सरकार की तैयारियों पर पड़ा सकता है असर। दिल्ली में 40 आईएएस अफसर, जिलों में बतौर एसडीएम तैनात है 33 अफसर, जबकि 7 मुख्यालय में है तैनात, ऑड इवन से पहले छुट्टी बढ़ा सकती है सरकार के लिए मुश्किल। डीडीसीए घोटाले में नए खुलासे के साथ जेटली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मोर्चाबंदी, जेटली के नाम की दिखाई चिट्ठी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी गई थी चिट्ठी, डीडीसीए की शिकायतों को बेबुनियाद बताया गया, 2011 को लिखी गई थी चिट्ठी। आपके आरोपों पर डीडीसीए कोर्ट जाने की तैयारी में, सीएम और आपके दूसरे नेताओं के खिलाफ करेगी मानहानि का केस। डीडीसीए विवाद पर कीर्ति आजाद ने जेटली पर फिर साधा निशाना, सीबीआई की चिट्ठी का जवाब नहीं देते, सच्चाई बताने पर पीछे पड़ जाते हैं लोग। कीर्ति आजाद ने कहा, पार्टी की तरफ से मिली नोटिस का दे दिया है जवाब, 9 साल से लड़ रहा हूं डीडीसीए में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पीएम मोदी आज सभी विभागों के सचिवों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक, मोदी देखेंगे जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत योजना का रिपोर्ट कार्ड। नए साल से पहले एनसीआर को सौगात, दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी के हापुड़ तक 14 लेन की एक्सप्रेस और हाईवे योजना का मोदी आज नोएडा में करेंगे शिलान्यास। दिल्ली मेरठ के बीच NH24 को 14 लेन बनाया जाएगा, इसके अलावा डासना हापुड़ सेक्शन को भी अपग्रेड किया जाएगा। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 1 ADG, 1 IG, 6 IPS, 62 DSP समेत 2000 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। यूपी के सीएम अखिलेश यादव समारोह में नहीं आएंगे, राज्यपाल राम नाईक, नितिन गडकरी और कई दूसरे केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ उपचुनाव के दौरान हुई डील के ऑडियो टेप को लेकर राज्य की सियासत में हलचल, पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और सीएम रमन सिंह के दामाद के बीच बातचीत का दावा।
छत्तीसगढ़ के अंतापुर सीट को लेकर टेप में कथित बातचीत, कांग्रेस उम्मीदवार मंटूराम पवार की उम्मीदवारी वापस लेने पर डील का आरोप। जोगी के करीबी फिरोज सिद्दीकी और अमीन मेमन की भी आवाज, एक अखबार ने किया खुलासा, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। अजीत जोगी ने टेप को बताया सियासी साजिश, अखबार और रिपोर्टर पर करेंगे केस, प्रदेश कांग्रेस ने अमित और अजीत जोगी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा उनके दामाद का राजनीति से कोई मतलब नहीं, वहीं चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से 7 जनवरी तक मामले पर मांगी रिपोर्ट। बिहार में जंगलराज के तूफान के बीच सरकार के लिए सुकून की खबर, पटना से अगवा छात्र शाहिद गोपालगंज से बरामद, लेकिन दोनों इंजीनियरों के कातिलों तक नहीं पहुंची पुलिस। बेहोशी की हालत में शाहिद को कुछ लोग गांव के बाहर छोड़कर हुए फरार, अस्पताल में भर्ती है शाहिद, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। हाजीपुर में रोडरेज में आरजेडी विधायक यदुवंश प्रसाद यादव के साथ मारपीट, लाल बत्ती लगी विधायक की एसयूवी में की तोड़फोड़। कानून व्यवस्था को लेकर किकरी झेल रहे नीतीश पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का हमला, कहा जीत की खुशी में सीएम मस्त लेकिन जनता त्रस्त। पटना में ऑपरेशन विश्वास के तरह एक दिन में पकड़े गए 28 अपराधी, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुणे नासिक हाईवे के किनारे जली हालत में मिले युवक और युवती के शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के मलवाड़ी से लापता युवक अयास सुल्तान को पुलिस ने घोषित किया फरार, आईएसआईएस में हो सकता है शामिल। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पालिका दफ्तर में एनसीपी की महिला नेता ने सहायक आयुक्त को जड़ा थप्पड़, घूस मांगने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में झुग्गियों में लगी आग, गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। लोकल में हादसों के बाद भयंदर में छात्रों ने शुरू की गांधीगिरी, यात्रियों को गुलाब का फूल देकर ट्रेन के गेट पर लटककर यात्रा नहीं करने की अपील। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सेना पुलिस और सीआरपीएफ ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, लश्कर से जुड़े थे आतंकी, एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला। पाक के लिए जासूसी करने वालों से दिल्ली से जारी हुए सिम कार्ड से बात करते थे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, फर्जी वोटर आई कार्ड पर जारी हुए थे सिम। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम जारी कराने वाले शख्स को किया रोहिणी से गिरफ्तार, 205 प्री एक्टिव सिम कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट जब्त। सिरसा के सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले 5 डॉक्टरों पर गिरी गाज, सभी को किया गया सस्पेंड। नए साल से पहले मुंबई पुलिस ने चलाया ड्रंकन ड्राइव के खिलाफ अभियान, कई इलाकों में पुलिस ने की चेकिंग। शिमला में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू, कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोच्चि में भी नए साल के लिए प्रशासन ने की खास तैयारी, प्रशासन ने लगाया अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नहीं बनेगा नए साल का जश्न, आतंकी खतरे को देखते हुए आतिशबाजी और समारोह रद्द, मंगलवार को 2 संदिग्ध लिए गए थे हिरासत। आतंकी हमलों का दर्द भुला नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा पेरिस, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हजारों सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। नए साल के जश्न के लिए न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर तैयार, दूर दूर से यहां बॉल ड्रॉप देखने आते हैं लोग। सारी इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है
ISI से कनेक्शन। हेलो एंड वेलकम टू द एयर एंड स्पेशल ऑफ गैजेट्स एंड गिज़्बोज़। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर टेक्नोलॉजी एयर एंड स्पेशल शो, वी हैव आल्सो कॉल्ड इन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। जॉइनिंग अस ऑन द शो वुड बी सत्य नडेला, हु विल बी टॉकिंग अबाउट एप्पल।